Hi, my name is Vani and I scored 50 on 50 in maths in term 1, 49 in physics and 46 in chemistry. And मेरे according जो सबसे different चीज़ quantum academy के बारे में है वो ये है कि यहाँ पर हर बच्चे को individual attention दी जाती है जो according to me आपको हर institute में नहीं मिलेगा. And यहाँ पर हर subject की specialized teachers available है and हर सब्जेक्ट के दो दो तीन तीन टीचर्स अवेलेबल हैं जो कि अगेन बहुत डिफरेंट चीज़ है एंड जो कि क्वांटम एकेडमी को स्टैंड आउट कराता है सारी इंस्टीट्यूट्स में, ना कि सिर्फ करनाल में बल्कि हरियाणा के काफ़ी सारे सिटीज़ में. एंड मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है. टर्म वन में भी एंड तक टीचर्स हमारे साथ थे. हेलो, माय नेम इज़ विधि एंड मैं क्वांटम एकेडमी से बिल्कुल स्टार्टिंग अपने 11th से हूँ. आई हैव बीन हियर सिंस 2 ईयर्स और आई डोंट थिंक एक भी दिन मुझे कोई भी प्रॉब्लम आई है. आई हैव बीन रेगुलर हेयर और जो स्टडी मटेरियल है प्रॉपर नोट्स हमेशा मिलते हैं और यूट्यूब चैनल भी है सर का, सो बैकअप में से कभी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है. बट अगर रात को 2 बजे भी इफ आई हैव अ डाउट तो मैं सर को टेक्स्ट कर सकती हूँ एंड आई गेट माय क्वेरी एज सून एज पॉसिबल. हेलो, आई एम आशीष शिंदे. आई गोट 96.4% इन टर्म 1. और जो आपने कहा कि अगर किसी दिन छुट्टी हो जाए तो फिर उसको कवर करने के लिए यूट्यूब पे वन शॉट डाल रखिए. बहुत ही अच्छा यूट्यूब पे कंटेंट है. तीनों टीचर्स बहुत ही बढ़िया है. यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है. कभी भी आप मैसेज करो तभी रिप्लाई आता है और नोट्स कोई भी डाउट्स हो तभी क्लियर. माय नेम इज सृष्टिगत. आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ क्वांटम एकेडमी फॉर 2 ईयर्स एंड द टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव. हेलो, माय नेम इज स्नेहा. आई हैव जस्ट पास्ड माय 10th क्लास. आई हैव रिसेंटली अपीयर्ड फॉर माय टर्म 2 एग्जाम. आई हैव स्कोर्ड 40 आउट ऑफ 40 इन मैथमेटिक्स इन माय टर्म 1 एंड 38 आउट ऑफ 40 इन साइंस. माय टर्म 2 एग्जाम्स वेंट सो वेल. I think my experience to the Quantum Academy is so well. I'm grateful to be a part of this Quantum Academy. The faculty is superb. Our doubts are solved time to time. Matlab, we don't need to wait for the next day that hum academy jayenge aur hamare doubts solve honge. Hame saath ke saath hum text karte hain sir ko aur hame saath saath reply aata hai. Yahan ka environment bahut acha hai. Yahan ke teachers bahut zyada friendly. Myself Sarthak and I just passed out my 10th class. Yesterday was our last exam. Teachers yahan ke bahut zyada supportive hain. I got 40 out of 40 in maths in term 1 exam and 37 out of 40 in science exam. Teachers bahut zyada supportive hain. सारे सब्जेक्ट्स की दो दो तीन तीन टीचर्स अवेलेबल हैं. कोई भी डाउट हो टीचर्स उसी टाइम अवेलेबल होते हैं, मैथ्स में भी साइंस में भी. अगर एग्जाम से लास्ट टाइम भी मेरे को 11-11 बजे भी कोई डाउट होता है कि तो सर मेरे लिए अवेलेबल थे उस टाइम. आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी अकेडमी में जहां से आपका भविष्य सुधर सकता है. सुधर इसलिए सकता है क्योंकि पहले आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जाते थे तो आपकी परसेंटेज अच्छी होती थी तो आपको एडमिशन मिल जाता था. लेकिन अब आपको एक टेस्ट क्लियर करना होगा जो CUET के नाम से टेस्ट होगा, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. और उसके लिए तकरीबन आपको 50-55% नंबर प्लस टू के अंदर चाहिए होंगे. इसके अलावा उस टेस्ट में 3 अलग अलग टॉपिक पर आपके पास क्वेश्चन आएंगे. एक होगा जनरल टेस्ट से रिलेटेड, एक होगा लैंग्वेज से रिलेटेड और एक रहेगा प्लस टू में जो आपके पास सब्जेक्ट था उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे. बहुत सारे बच्चे इसलिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके DU में 90% कई बार नंबर आते हैं और फिर भी उनका तीसरी या चौथी कट ऑफ में एडमिशन नहीं हो पाता. तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और क्वांटम एकेडमी जो करनाल के सेक्टर 14 में स्थित है यहां से बहुत सारे बच्चों का भविष्य सुधरा है. सुधरा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बच्चों के नंबर बहुत अच्छे आए हैं. यहां पर फिजिक्स पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, मैथ पढ़ाया जाता है, बायो पढ़ाई जाती है, साथ ही साथ कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो बिजनेस स्टडी हो, चाहे वो फिर इकोनॉमिक्स हो, सभी टेस्ट में बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं. हमारे साथ इस समय अमित शर्मा सर मौजूद हैं जो मैथमेटिक्स के HOD हैं. उनसे जान लेते हैं कि किस तरीके से CUET एग्जाम की बच्चों की तैयारी करवाई जाएगी, किस तरीके से आप तैयारी करवाएंगे, क्या कुछ कोर्स रहने वाला है और बच्चों को इसका कितना फायदा होगा. थैंक यू सर. पहली बात तो जो 12th एग्जाम के अंदर बच्चे अपीयर हो रहे हैं उनको मेरी तरफ से बेस्ट विशेज हैं. मैथ्स का एग्जाम अभी 7 जून को होने वाला है. मैथ्स के एग्जाम के लिए भी मेरी तरफ से बेस्ट विशेज बच्चों के. फिजिक्स और केमिस्ट्री के एग्जाम बहुत अच्छे गए हैं. इसके साथ मैथ्स की मैं ऑनलाइन तैयारी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ तो बच्चे चैनल को फॉलो कर सकते हैं क्वांटम एकेडमी से और अपना फायदा उठा सकते हैं वहाँ से.
दूसरी चीज़ ये है कि सर 1 जून से हम पुरानी प्लस टू के लिए CUET का क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके अंदर CUET के तीनों सब्जेक्ट हम यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। एक तो लैंग्वेज स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा, डोमेन के अंदर जो भी आपका बैकग्राउंड है, कॉमर्स का है या नॉन मेडिकल का है या मेडिकल का है, तीनों सब्जेक्ट्स आपको वो पढ़ाए जाएंगे। एंड थर्ड इज जनरल टेस्ट। कुछ यूनिवर्सिटी क्योंकि डिमांड कर रही है कि जनरल टेस्ट भी बच्चे को देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट के बिना एडमिशन नहीं दे रही है। जनरल टेस्ट के अंदर बेसिकली मेंटल एबिलिटी टेस्ट, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज आपकी टेस्ट करी जाएगी। तीनों ही चीजें आपको एक प्लेटफॉर्म के अंदर क्वांटम अकेडमी यहाँ पे प्रोवाइड करने जा रहा है। मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बायो के अंदर, सभी के अंदर MCQ पैटर्न पे तैयारी करवाई जाएगी। NCERT एग्जाम्पलर और भी बहुत सारे सैंपल पेपर्स को फॉलो करके नेक्स्ट 1 मंथ जो होने वाला है बेटा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप क्वांटम अकेडमी इसके लिए ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि प्लस वन के बच्चों के लिए अगर मैं बात करूं, 11th की प्रिपरेशन हम CBSE फीस के अंदर ही पहले दिन से फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, और जो प्लस टू के क्रैश कोर्स के चार्जेस होने वाले हैं वो भी बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं। दूसरी चीज़, 11th के अंदर सैटरडे संडे में बच्चों को फुल प्रिपरेशन करवाई जाएगी। मंडे टू फ्राइडे बच्चा CBSE प्लस JEE का क्रैश कोर्स कर सकता है, सैटरडे संडे में CUET की उसको प्रिपरेशन फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे ऑफ एडमिशन, जैसे ही वीकेंड्स आएगा वहाँ से स्टार्ट करी जाएगी। दूसरी चीज़, मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 11th के अंदर कॉमर्स में जो कॉमर्स का बच्चा होगा उसके लिए प्लस वन का बैच एक सेपरेट बनाया जाएगा मैथमेटिक्स के अंदर। बाकी कॉमर्स के बारे में आपको डिटेल में तनु सर भी बताएंगे। थैंक यू। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें पता चल जाता है कि उनका पेपर कैसा गया है, उनका रिजल्ट कैसा आने वाला है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका एडमिशन बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज में हो सकता है, DU में भी आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको CUET टेस्ट की तैयारी करनी होगी। ये बेहतरीन टीम आपको किस तरीके से टेस्ट को क्लियर करना है वो बताएगी। हमारे साथ तनुज रहेजा सर मौजूद हैं, जो अकाउंट्स के HOD हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। सर, किस तरीके से आप लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या कुछ नया कर रहे हैं? अगर बच्चा कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट आपके पास पढ़ने आना चाहता है तो वो आपके पास क्यों आए, किसी और के पास क्यों ना जाए? सबसे पहले तो करनाल वासियों को मेरा नमस्कार। देखिए, कॉमर्स के बारे में एक स्पेशली बात मैं रखना चाहूँगा। अगर हम मेडिकल नॉन मेडिकल के बारे में बात करें, बच्चों को हर जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि बड़ा ही अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, लेकिन एक कॉमर्स के बारे में अगर हम बात करें, जहां पर सबसे ज़्यादा मैं नीड मानता हूं बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज की होनी चाहिए, वहां बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नॉलेज, आप चाहे वो इंस्टीट्यूट्स देखें बाकी या किसी स्कूल में भी अगर आप देखें, प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम पर वहां कुछ नहीं होता। अगर हम अपनी बात करें, यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होता है प्रैक्टिकल नॉलेज के रिगार्डिंग। लास्ट से लास्ट ईयर के बारे में बात करें, क्योंकि पिछला साल जो निकला वो कोरोना काल का ही निकला, हमने बच्चों को इंडस्ट्रियल विजिट कराई, बैंक विजिट दी, इंश्योरेंस कंपनी की विजिटिंग दी, ताकि बच्चों को वाक्य में पता चल सके कॉमर्स लाइन है क्या। प्रैक्टिकल नॉलेज पूरी तरह से अबाउट इकोनॉमिक्स, बिजनेस और अकाउंट्स के बारे में हमारी देने की पूरी कोशिश रहती है और देते हुए आए हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो आपको क्वांटम एकेडमी पर देखने को मिलने वाली है, चाहे वो मेडिकल, नॉन मेडिकल या कॉमर्स के रिगार्डिंग है, एक प्रोफेशनल टीचर्स की टीम, चाहे वो मैथ्स को लेकर के हो, चाहे वो अकाउंट्स, बिजनेस, बायो, किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, ये मैं बात करना चाहूँगा सिर्फ मेडिकल, नॉन मेडिकल या कॉमर्स के बारे में नहीं, 9th और 10th के बारे में भी, यहाँ पर पूरी टीम आपके पास अवेलेबल होगी। और पूरी तरह से स्पेशली इन द केस ऑफ कॉमर्स के बारे में बात करूं, मेरा खुद भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए जोर रहता है कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज पता चले, क्योंकि हम ये देखते हैं कि बच्चे को आज के टाइम में भी देखो, अगर बच्चे को बैंक में जाना पड़े, बैंक में जाकर के एक ढंग से चेक तक नहीं भर सकता बच्चा, मीन्स इतनी आगे की नॉलेज भी बच्चे को यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, तो इट मीन्स बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी है। तो जब हम प्रैक्टिकल नॉलेज पूरी कर देते हैं, अपने आप ही बच्चा अच्छा फील करता है, पेरेंट्स की गुड फीडबैक हमें मिल जाती है, दैट्स इट। जाहिर सी बात है, कई बार किताबों का रट्टा मरवा दिया जाता है, बच्चे भी अच्छे नंबर ले आते हैं, लेकिन जब बच्चे बाहर जाते हैं तो फिर शायद उन्हें कोई भी जानकारी नहीं होती है। स्मार्ट क्लासेस पर बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है। विक्रम सर हमारे साथ मौजूद हैं, जो बायो के टीचर हैं, एक अच्छी फैकल्टी इनके पास है क्वांटम अकेडमी में। किस तरीके से आप बायो पढ़ाते हैं, क्योंकि नीट के अंदर भी बच्चों को जरूरी होता है, या BSc वो करना चाहते हैं आगे मेडिकल के अंदर, तो उसके अंदर भी जरूरी है, CUET के भी जो एग्जाम है उसके लिए भी आप कोर्स शुरू कर रहे हैं, किस तरीके से बच्चों की तैयारी करवाई जाएगी? बिल्कुल सर, इसमें बताना चाहूंगा आपको कि जैसे हम बायोलॉजी में सबसे पहली बार करनाल में ऐसी टीम यहाँ पे आई है जो कि सेपरेट टीचर्स होंगे बायोलॉजी में। जैसे बायोलॉजी में 2 टीचर्स होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी, 2 पार्ट्स होते हैं, इसके अलावा और भी स्पेशलाइजेशन होती है, तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड टीचर होंगे जो अपने अपने पार्ट यहाँ पे डील करेंगे और बच्चों को सिखाएंगे।
इसके अलावा बायोलॉजी में दिक्कत आती है डायग्राम्स की, दिक्कत आती है कि बच्चों को समझ नहीं आता कि डायग्राम्स में कहाँ पर क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पर हम बच्चों को स्मार्ट क्लासेस के द्वारा डायग्राम्स प्रॉपरली दिखाए जाएंगे, उनको समझाया जाता है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन की जाती है। इसके अलावा प्रैक्टिकल स्किल्स जो है वो भी प्रोजेक्टर के स्मार्ट क्लास के द्वारा हम वो बच्चों को समझाते हैं और बहुत ही अच्छे से बच्चा कर पाता है। जैसे आपने नीट की बात की, तो नीट के बारे में बताओ, हम यहाँ पे अपने बच्चों को हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाते हैं, हर एक लाइन से वो एमसीक्यूज को प्रिपेयर करते हैं। इसके साथ ही वो वीकेंड पे अपने जो स्मार्ट क्लास जो हम बोर्ड के द्वारा हम उसको नीट के लिए प्रिपेयर भी करते हैं बच्चों को, इसके लिए एक्स्ट्रा उनके पास जो होता है कॉम्पिटिटिव क्लासेस चलती हैं और इसमें बच्चा हमारा बहुत अच्छा स्कोर करता है और बच्चा जो है इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से बड़ी इजी लेवल सीखते हुए। नॉर्मली बच्चा कहता है कि वर्ड डिफिकल्ट होते हैं, क्या होता है, कहाँ से आएगा, तो बड़ी सिंपल तरीके से समझाते हुए उनको कॉम्प्लेक्स लेवल पे लेके जाते हैं, जिससे बच्चा बड़ी ईजिली बायोलॉजी समझ पाता है और उसको कभी ये लगता ही नहीं कि हम बायोलॉजी इतनी मुश्किल थी, बड़ी ईजी वे से समझ पाता है, जिसमें हमारे पास एक्सपर्ट टीचर्स हैं, वो एक एक करके अपनी चीज़ें समझाते हैं यहाँ पे अपने तरीके से। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं और क्या कुछ नया रहने वाला है, चाहे वो CUET का एग्ज़ाम हो उसके लिए या फिर +1 +2 के लिए? सर, जैसे कि आपको सर ने बताया कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम अपना सिलेबस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। सो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि हमने ट्रेंड जो है बेसिकली चंडीगढ़ में देखा है, मैं चंडीगढ़ में भी टीच कर रही हूँ, वहाँ पर हमने ट्रेंड देखा है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर ये सब जो है चल रहा है, जूलॉजी और बॉटनी अलग अलग तरीके से पढ़ाई जा रही है। तो यही ट्रेंड हम यहाँ पर फॉलो करने लगे हैं, क्योंकि करनाल में अब तक ये ट्रेंड कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम ये कोशिश करने वाले हैं कि दो स्पेशल टीचर्स जो कि हमारे जूलॉजी और बॉटनी के टीचर्स हैं, वो अपनी अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग आप लोगों को परफेक्ट चीज़ें जो है वो बताने की कोशिश करेंगे और आपके लिए बायोलॉजी जो है वो बहुत ही इजी बनाने की कोशिश करेंगे। एक महीने का कोर्स है CUET की तैयारी के लिए, क्रैश कोर्सेज ये रहने वाला है, 1 जून से ये शुरू हो जाएगा। आप आएंगे तो क्या पता आपके प्लस टू में भले ही 60% अंक रह जाएं, लेकिन आप क्या पता DU के अंदर एडमिशन ले जाएं, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर रहने वाली है, रिविजन भी यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा 9th का कोई बच्चा है या 10th का कोई बच्चा है वो भी यहाँ पर आकर पढ़ सकता है। इसके अलावा प्लस वन के अंदर चाहे वो नॉन मेडिकल का बच्चा है या मेडिकल का बच्चा है या फिर वो कॉमर्स का बच्चा है तो वो भी यहां पर आकर पढ़ सकता है। इसके अलावा प्लस टू के भी जो बैचेस हैं वो शुरू होने वाले हैं, क्योंकि यहां पर एक बेहतरीन टीम है जो आपके भविष्य की चिंता करती है, वो ये चिंता करती है कि आपका भविष्य सुधरे और आपका भी नाम हो और इस अकेडमी का भी नाम हो। आना कहां पर है आपको? क्वांटम अकेडमी सेक्टर 14। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों के बारे में जिन्होंने अभी 10th के एग्जाम दिए हैं और वो प्लस वन के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि जब एक सीढ़ी वो आगे चढ़ते हैं तो थोड़ा सा उनके ऊपर भी प्रेशर होता है कि हमें और अच्छा करना है। और इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं क्वांटम एकेडमी के डायरेक्टर नवनीत भंडारी जी। भंडारी जी, क्या एक संदेश उन बच्चों के नाम जिन्होंने अपनी 10th कंप्लीट कर ली है, एग्जाम दे दिए हैं, अब प्लस वन में जा रहे हैं, किस तरीके से वो तैयारी करें आगे की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, सभी को नमस्कार। मैं एक मैसेज देना चाहूँगा उन सभी बच्चों को जो अभी 10th क्लास से अभी जस्ट फ्री हुए और वो सोच रहे हैं कि मेडिकल बेस्ट ऑप्शन है या नॉन मेडिकल या वो कॉमर्स ले। तो देखिए, कुछ बच्चे जो कंफ्यूज भी है ना अभी स्ट्रीम को लेकर, तो हमारी एकेडमी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग भी प्रोवाइड कर रही है। हम आपसे बात करेंगे, आपके एरियाज स्ट्रॉन्ग एरियाज के बारे में बात करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे आपका और आपको एक सही गाइडेंस भी देंगे। यहाँ पर देखिए, अगर मैं अपनी एकेडमी की बात करूँ तो हर एक सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल टीचर्स है। जनरली क्या होता है, इंस्टीट्यूट्स प्रमोट तो करते हैं बट उनका एक टीचर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पर 16 से 17 टीचर्स की टीम है PCM के लिए, PCB के लिए और कॉमर्स के लिए, और एक सब्जेक्ट के 3-3 टीचर्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। JEE के लिए सेपरेट टीचर, नीट और CUET के लिए सेपरेट टीचर और CBSE के लिए सेपरेट टीचर। तो अगर आपको कोई भी अगर आपको माइंड में डाउट हो कि भाई मैं एक अकेडमी पर जा रहा हूँ, मैं वहाँ तो जा रहा हूँ मैथ्स के लिए, लेकिन कहीं वो मुझे इस बात के लिए फोर्स तो नहीं करेंगे कि बाकी सब्जेक्ट रखो, क्योंकि जनरली मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ पर ये कल्चर है कि आप अगर किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो तो वो आपको फोर्स करते हैं कि आप सभी सब्जेक्ट्स के लिए आ जाओ, राइट। हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लासेस प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, तो आप फ्रीली आ सकते हैं, 5-6 दिन आप पढ़कर देखिए, आपको जरूर डिफरेंस फील होगा, राइट। इसी के साथ मैं एक और छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि जहां पर बाकी इंस्टीट्यूट्स प्लस टू के बच्चों को फ्री कर देते हैं जनवरी के बाद,
अब तक भी जब बच्चों के एग्जाम नहीं मतलब अभी खत्म हुए तब तक भी क्वांटम एकेडमी अपने पुराने बच्चों के साथ जुड़ी हुई है, और इस बात का मतलब हमको प्रूफ देने की जरूरत नहीं, बच्चे खुद भी आपको बताएंगे अभी कि किस तरह से उनकी तैयारी करवाई जा रही है। और जो बच्चे हमारी एकेडमी का पार्ट नहीं भी थे, जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स का पार्ट थे, उनको भी क्वांटम एकेडमी ने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है डिजिटली, क्योंकि डिजिटली अभी आपको मैथ्स की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। बायोलॉजी का पेपर अभी बच्चों का पेंडिंग है, तो वो भी बच्चा हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकता है, डेली वन शॉट लेक्चर्स वहाँ पर आ रहे हैं। तो इस तरह से हमारा मेन मोटिव जो रहता है वो कि एजुकेशन में किस तरह से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास सोर्सेज नहीं होते लेकिन उनके पास इंटरनेट होता है, तो क्वांटम अकेडमी डिजिटली भी ये पहल करने जा रही है कि हम ऑनलाइन बच्चों के साथ जुड़ रहे हैं, राइट। तो जाहिर सी बात है बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, उनकी पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, और दसवीं के बाद बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, उनके पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप आएँ क्वांटम एकेडमी पर, वहाँ पर आपकी काउंसलिंग की जाएगी और आपका सबसे मजबूत पार्ट क्या है उसी पर काम किया जाएगा, और उसी के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपने कॉमर्स लेनी है या फिर आपने मेडिकल या नॉन मेडिकल लेनी है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, माहौल काफ़ी गरमाया हुआ और इस समय इंतजार है तो सिर्फ प्लस टू के और जो टेंथ के रिजल्ट्स हैं बोर्ड्स के उनका। तो आज हम आए हैं क्वांटम एकेडमी में जहाँ के कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि जो यहाँ का स्टडिंग एक्सपीरियंस है वो उनका कैसा रहा। हालांकि हमने आपको बताया कि नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स और बहुत सारे जो स्ट्रीम्स हैं यहाँ पर, नाइन्थ टेंथ फाउंडेशन से लेके प्लस वन प्लस टू के कोर्सेज, उसके बाद CUET भी जो आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नो मैटर आप प्लस टू में कितना स्कोर करते हैं, मिनिमम स्कोर ऑफ 50% एंड यू कैन बी इनटू एनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी यू वांट टू। आपको DU में एडमिशन चाहिए या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, आप वो एडमिशन ले सकते हैं एक CUET टेस्ट के बेसिस पे। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ नॉन मेडिकल के बच्चे मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। हेलो, देखने में ट्विंस लग रहे हैं तो तो आप क्या बताना चाहेंगे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा क्वांटम पे, और आप फैकल्टी के बारे में और जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? हाय, माय नेम इज़ वानी एंड आई स्कोर 50/50 इन मैथ्स इन टर्म 1, 49 इन फिजिक्स एंड 46 इन केमिस्ट्री। एंड मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे डिफरेंट चीज़ क्वांटम अकेडमी के बारे में है वो ये है कि यहाँ पर हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन दी जाती है, जो अकॉर्डिंग टू मी आपको हर इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर हर सब्जेक्ट की स्पेशलाइज टीचर्स अवेलेबल है, एंड हर सब्जेक्ट के दो दो तीन तीन टीचर्स अवेलेबल हैं, जो कि अगेन बहुत डिफरेंट चीज़ है एंड जो कि क्वांटम एकेडमी को स्टैंड आउट कराता है सारी इंस्टीट्यूट्स में, ना कि सिर्फ करनाल में बल्कि हरियाणा के काफ़ी सारे सिटीज़ में। एंड मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, टर्म वन में भी एंड तक टीचर्स हमारे साथ थे और टर्म टू में भी फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा गया है, एंड आई होप फॉर द सेम इन मैथ्स एज वेल। तो जो स्टडी मटेरियल होता है उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, कितना सपोर्टिव स्टाफ है और जो स्टडी मटेरियल में वैरायटी होती है वो आपको बाकी जगह से कैसे अलग लगी? हेलो, माय नेम इज़ विधि एंड मैं क्वांटम एकेडमी से बिल्कुल स्टार्टिंग अपने 11th से हूँ। आई हैव बीन हेयर सिंस 2 ईयर्स और आई डोंट थिंक एक भी दिन मुझे कोई भी प्रॉब्लम आई है, आई हैव बीन रेगुलर हेयर। और जो स्टडी मटेरियल है, प्रॉपर नोट्स हमेशा मिलते हैं और यूट्यूब चैनल भी है सर का, सो बैकअप्स में से कभी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। बट अगर रात को 2 बजे भी इफ आई हैव अ डाउट तो मैं सर को टेक्स्ट कर सकती हूँ एंड आई गेट माई क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। एंड द मेन थिंग इज़ यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो आपको मतलब एज अ चाइल्ड सपोर्ट करते हैं, जो मुझे बहुत डिफरेंट लगा। एंड आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो टर्म वन में भी जिनके टीचर्स ने एग्जाम्स के टाइम पर उनको छोड़ दिया था कि अब अपने आप कर लो, बट हम लोगों को यहाँ पर एक भी मिनट नहीं छोड़ा गया। दे ऑल द टीचर्स वर विद अस टिल द एंड, एंड अभी भी जो मैथ्स का एग्जाम है सर, बिल्कुल 15 डेज का गैप था मैथ्स में और सर ने जैसे ही हमारा पेपर खत्म हुआ ही वॉज विद अस एंड स्टार्टिंग से ही स्टार्टेड गाइडिंग अस, विच आई फील दैट इट्स वेरी ग्रेट, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। चलो, आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, आपके प्लस टू एग्जाम्स हैं, आई विश कि बहुत अच्छे हो। तो आप क्या बताना चाहेंगे, चलो कभी ऐसे हो जाता है कि आपकी तबीयत खराब हो गई है या आपको कहीं जाना है तो आपके कुछ लेक्चर्स मिस हो जाते हैं, तो उसको कवर अप करने के लिए आपको कैसे सपोर्ट किया जाता है? हेलो, आई एम आशीष शिंदे, आई गोट 96.4% इन टर्म 1। और जो आपने कहा कि अगर किसी दिन छुट्टी हो जाए तो फिर उसको कवर करने के लिए यूट्यूब पे वन शॉट डाल रखी है, बहुत ही अच्छा यूट्यूब पे कंटेंट है, तीनों टीचर्स बहुत ही बढ़िया है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, कभी भी आप मैसेज करो तभी रिप्लाई आता है और नोट्स कोई भी डाउट्स हो तभी क्लियर कर देते हैं।
तो आप क्या बताना चाहेंगे इस अकेडमी के बारे में जो आपको इतना डिफरेंट लगा, मतलब व्हाट मेड यू चूज क्वांटम ओवर अदर अकेडमीज? Hi, my name is Trishti Garg. I have been a part of Quantum Academy for 2 years and the teachers are very supportive. They take you to the very end. मतलब teachers बिल्कुल वो साथ नहीं छोड़ते हमारा. हमारे अभी exams हुए और बहुत ही अच्छे हुए. Term 1 में मेरे maths में 40 out of 40 and science में 37 आया. Teachers हमारा बहुत अच्छे से, environment यहाँ पर बहुत अच्छा है, friendly environment है और कोऑपरेटिव हैं टीचर्स बहुत सारे और बैकअप्स रेगुलर हैं. इंडिविजुअल बैकअप्स भी मिलते हैं जो कि बहुत डिफरेंट है इंस्टीट्यूशंस में मिलने. थैंक यू. तो आप अभी 10th में हैं? हाँ जी. तो यानी आपका फाउंडेशन चल रहा है अभी? हाँ जी. तो आपको? नहीं, मैं 10th पास आउट हूँ. ओके. हाँ जी. तो आप क्या बताना चाहेंगी जो एक फाउंडेशन की प्रिपरेशन होती है, जैसे आपको प्लस वन प्लस टू में एक करियर काउंसलिंग की तरह जो एक चीज़ चाहिए होती है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हेलो, मायसेल्फ स्नेहा. आई हैव जस्ट पास्ड माय 10th क्लास. आई हैव रिसेंटली अपीयर्ड फॉर माय टर्म 2 एग्जाम. आई हैव स्कोर्ड 40 आउट ऑफ 40 इन मैथमेटिक्स इन माय टर्म 1 एंड 38 आउट ऑफ 40 इन साइंस. माय टर्म 2 एग्जाम्स वेंट सो वेल. आई थिंक माय एक्सपीरियंस टू द क्वांटम अकेडमी इज सो वेल. आई एम ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस क्वांटम अकेडमी. द फैकल्टी इज सुपर. डाउट्स आर सॉल्व टाइम टू टाइम. मतलब वी डोंट नीड टू वेट फॉर द नेक्स्ट डे दैट हम अकेडमी जाएंगे और हमारे डाउट सॉल्व होंगे. हमें साथ के साथ, हम टेक्स्ट करते हैं सर को और हमें साथ साथ रिप्लाई आता है. यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है. यहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं. हमें मतलब यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे हम अपने फ्रेंड से ही मतलब कुछ सीख रहे हों. थैंक यू. तो हाय, आप क्या बताना चाहेंगे कि ऐसा क्या एस्पेक्ट है यहाँ क्वांटम अकेडमी में जो आपको एक अचीवर बनने में हेल्प करता है? हेलो, माय सेल्फ सार्थक एंड आई जस्ट पास आउट माय 10th क्लास. यस्टरडे वाज आवर लास्ट एग्जाम. टीचर्स यहाँ के बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं. आई गॉट 40 आउट ऑफ 40 इन मैथ्स इन टर्म वन एग्जाम एंड 37 आउट ऑफ 40 इन साइंस एग्जाम. टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं. सारे सब्जेक्ट्स की दो दो तीन तीन टीचर्स अवेलेबल हैं. कोई भी डाउट हो टीचर्स उसी टाइम अवेलेबल होते हैं, मैथ्स में भी साइंस में भी. अगर एग्जाम से लास्ट टाइम भी मेरे को 11 बजे भी कोई डाउट होता है कि तो सर मेरे लिए अवेलेबल थे उस टाइम भी. सर ने मेरे डाउट्स लिए और मेरे को मतलब ऐसा बना दिया था कि मेरे आने ही आने. और मेरे को टर्म टू में भी यही है कि मेरे फुल्ली आएंगे. सर ने इतना अच्छा हमारे लिए प्रिपरेशन करवा रखी है. थैंक यू. तो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आप सबसे है. जैसे कि आप सब थोड़ा सा वरीड होते होंगे कि अब जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं उसके जो मार्क्स हैं वो मैटर नहीं करने वाले हैं, जो CUET एग्जाम है वो मैटर करने वाला है. तो आपने जो ये क्वांटम अकेडमी ने आपके लिए एक डिसीजन लिया है इनकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन का, उस सब के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? वो चीज़ एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. क्योंकि देखो जैसे CBSE हो गई, उसकी टेंशन निकल गई, अब एक और टेंशन आ गई हमारे पास. बट उसके लिए भी पहले से हमारे पास एक सोल्यूशन सामने पड़ा है प्लेट में, सो वी डोंट हैव टू वरी फॉर दैट एज वेल. आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आप लोग 10th पास आउट ही हैं, अभी आपको आगे का भी प्रिपेयर करना है, तो आप लोगों का क्या कहना है इस डिसीजन के बारे में? जैसे कि मैंने बताया कि हम यहाँ पे 2 साल से, तो हमें पता है यहाँ के टीचर्स कैसे हैं. बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं. तो हमें कोई टेंशन नहीं है 11th के लिए. हम JEE करें, CUET करें या NEET करें, हमें वी आर नॉट एट ऑल वरीड. बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि स्टाफ के ऊपर एक जो इन्होंने रिफ्लेक्शन दिखाई है कि जो स्टाफ है पूरा सपोर्टिव है, एक 24 आवर जो अटेंशन होती है बच्चे को चाहिए होती है, जो एक पर्टिकुलर बच्चे को अटेंशन चाहिए होती है. जितने भी हमने बच्चों से बात करी, दे ऑल आर ग्रेट अचीवर. बच्चों ने अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा अचीव करने की कोशिश की और सबके मुँह से सिर्फ एक बात निकलती है कि क्वांटम अकेडमी के जो टीचर्स हैं, जो स्पेशलाइज टीचर्स हैं, सब बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव हैं बच्चों को लेकर. हर बच्चे को स्पेसिफिक अटेंशन मिलती है. तो आपका बच्चा भी यही चाहता होगा कि अगर वो कहीं पढ़ना चाहता है, कोई हायर स्टडीज़ करना चाहता है, नॉन मेडिकल करना चाहता है या मेडिकल करना चाहता है, अब यहाँ पर कॉमर्स के भी ऑप्शंस अवेलेबल है, वो भी आपने देखा. तो बिल्कुल एक ऐसी जगह ज़रूरी होती है जहाँ पर जो आपका बच्चा है उसको स्पेसिफिक अटेंशन मिल सके. क्योंकि कई बार बच्चे का इंटरेस्ट सिर्फ तभी बनता है जब उसको कोई स्पेसिफिकली समझाए या उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिले. तो यहाँ के जो टीचर्स हैं, एक सब्जेक्ट के लिए 3 स्पेशलाइज्ड टीचर्स रखे गए हैं और काफ़ी एक अच्छी टीम है जैसा कि आपने पहले देखा. और हर बच्चा जो है उसके ज़बान पर एक ही बात है कि जो ये CUET पढ़ाने का एक डिसीजन लिया गया है वो काफ़ी अच्छा है. क्योंकि आजकल जैसे जैसे एजुकेशन के प्रोटोकॉल्स चेंज होते जा रहे हैं, वैसे वैसे
जैसे हम सब सोचते हैं कि CUET इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम जस्ट बिकॉज ऑफ CBSE की जो वैल्यू है थोड़ी सी नीचे आ चुकी है, तो मैं तो बिल्कुल यही कहूँगी कि इन बच्चों के अगर आप भी चाहते हैं कि आपका फ्यूचर और आपका करियर जो आप बनाना चाहते हैं, जिसके लिए आप एस्पिरेशनल हैं, उसके लिए अगर आप चाहते हैं आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए, आपको प्रॉपर अटेंशन चाहिए, देन क्वांटम एकेडमी इज़ द प्लेस फॉर यू। क्वांटम एकेडमी एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है, 12th के बैचेस भी शुरू होने वाले हैं, एंड ऑल द बेस्ट टू दोज जिनके एग्जाम्स अभी चल रहे हैं। आई विश कि आप सबके एग्जाम्स बहुत अच्छे हों, और अगर आप अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिए क्वांटम एकेडमी।